वहीं घने कोहरे से बचने के लिए भारतीय रेलवे बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन ये तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। घने कोहरे में ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए फॉग सेफ डिवाइस सर्दी में फेल हो गई है। इसके चलते ट्रेन 8 घंटे तक लेट चल रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं। ट्रेनों में हो रही परेशानियों पर भारत समाचार ने यात्रियों से बातचीत की। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जहां सर्दियों में एक तरफ गाड़ियों को चलाने में दिक्कत होती है, ऐसे में ट्रेनें भी लगातार लेट चल रही हैं। ट्रेनों को लेकर तमाम तरीके के वादे किए गए थे, करोड़ों रुपए के टेंडर किए गए थे कि फॉग सेफ सिस्टम यानी डिवाइस लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से आगे आने वाले समय में कोहरा किस तरीके से ट्रेन की यात्रा को कम कर सकता है जानकारी मिलेगी, लेकिन सारे दावे जो हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। तमाम यात्री हमारे साथ मौजूद हैं। ये ट्रेन अभी चलकर आ रही है, लेकिन ये ट्रेन जो है वो लगातार लेट चल रही है, 4 घंटा 6 घंटा लेट चल रही है। यात्रियों को तमाम तरीके की परेशानी हो रही है, लेकिन परेशानी हो तो क्या हो, रेलवे विभाग को तो पैसा मिल ही रहा है। तमाम लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। ट्रेन लेट चल रही है, टाइम से चल रही है? नहीं, लेट चल रही है, थोड़ी लेट है। दो तीन घंटे लेट है। ट्रेनों में आपने सुना था कि एक फॉग सेफ डिवाइस लगाई जाएगी, जिसके कुछ लगाया हुआ है, कुछ लगाया नहीं, इसलिए तो लेट है। और ऊपर से क्या बोलते हैं इसको कि ये एसी डब्बे का तो कुछ एसी डब्बे की तरह है ही नहीं, कोई भी चढ़ रहा है, कोई भी उतर रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं है। ट्रेन के अंदर भी एक बार लोगों से, ट्रेन के अंदर भी एक बार आपको लेकर चलते हैं, लोगों से एक बार बातचीत कर। सर ये बताइए, ट्रेन में फॉग सेफ एक सेफ डिवाइस के लगाने के वादे किए गए थे कि कोहरे पर भी ट्रेनें जो हैं वो चल सकें, नहीं चल रही है, लेट चल रही है ट्रेन? हाँ, लेट है। मैम ये बताइए, ट्रेनों में सिस्टम लगाए गए थे कि कोहरे के समय में ट्रेन अच्छे से चल सके, लेकिन ट्रेनें लेट चल रही हैं, कितना लेट है ये ट्रेन, क्या लग रहा है? लेट है, बहुत लेट। तो दिक्कतें होती हैं, लेडीजों को तो ज्यादा दिक्कत होती है लंबा ट्रेवल करने में। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था भी ठीक ठाक? हाँ, पूरा जाम हुआ पानी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। वहीं मुरादाबाद में भी कोहरे का कहर बरपा। भयंकर कोहरे के चलते रेल यातायात बुरी तरीके से चरमरा गई। भयंकर कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते 60 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही। कोहरे और कड़ाके की ठंड से ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि ठंड पड़ने से एक कुहासे पड़ते हैं, उसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं और पैसेंजर को असुविधाएं होती हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि कम से कम पैसेंजर को असुविधा हो, इसलिए कोहरा आने से पहले ही बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल किया गया था, जो कि उस रूट पे ज़्यादा ट्रेनें थे या जिसमें ऑक्यूपेंसी कम थी या जिसमें कम लोग जा रहे थे, तो उन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जितनी ट्रेनें चल ही रही हैं उसमें भी फाग की वजह से स्पीड ट्रेनों की बहुत ही कम हो जाती है। जो नॉर्मल स्पीड 60-100 की होती है उस पर ट्रेनें रन करती हैं, लेकिन फाग में मैक्सिमम स्पीड ही 60 हो जाती है। उसके अलावा ये भी रहता है कि जो भी ड्राइवर को, अगर जो लोको पायलट है उसको जो दिखता है जहाँ तक, उतनी ही दूरी तक तेज चला पाता है, तो सिग्नलिंग सिस्टम जो लगा हुआ वो उसको दिख नहीं पाता, तो स्पीडें और कम हो जाती हैं। ऐसी वजह से बहुत सारी ट्रेनें लेट होती रहती हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं नई तकनीक के माध्यम से और तरीके से कि स्पीड भी रहे और पैसेंजर को असुविधा कम से कम हो। वहीं शिक्षक स्नातक